क्या यूपी निकाय चुनाव में भी सत्ता के इशारे पर हुआ बड़ा खेला? आखिर क्या कारण जो दस्तावेजों के खेल के जरिए मुस्लिम समुदाय से छीना जा रहा मतदान का अधिकार? एक के बाद एक कई शहरों में मतदान के दौरान निकलकर सामने आई चुनाव को प्रभावित करने वाली तस्वीरें। निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा ठोकने वाले चुनाव आयोग की निष्पक्षता का फट गया ढोल। चुनाव आयोग के द्वारा वैसे तो निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे नुमाइंदों के इशारे पर डोलने वाले चुनाव आयोग की निष्पक्षता का ढोल तब फट जाता है जब अलग अलग शहरों से मतदान को प्रभावित करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान आज हो रहे हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान जहां एक साथ 37 जिलों में मतदान कराए जा रहे हैं, लेकिन मतदान की शुरुआत के साथ ही अलग अलग शहरों से चुनाव को प्रभावित करने वाली तस्वीरों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही सत्ता की कुर्सी पर बैठे बड़े आकाओं के इशारे पर चुनाव में होने वाले कागजी खेल के पीछे की उस हकीकत को भी बयां कर दिया है। हम वो हकीकत भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा उससे पहले सिलसिलेवार तरीके से यूपी निकाय चुनाव के अलग अलग शहरों में चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव के फर्जी दावों की उस हकीकत को भी जान लीजिए, जिसे सुनने के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता का ढोल अब फट चुका है। तो इसकी हकीकत जानने के लिए हम सबसे पहले आपको सहारनपुर लिए चलते हैं। जरा गौर से सहारनपुर में हो रहे चुनाव की हकीकत सुनिए। पांच बच्चों के वोट नहीं है, मैं क्या डाल दूं? पांच बच्चों के वोट नहीं है मेरे, सारे बच्चे जवान हैं। जो यहाँ के वो होंगे उनसे नहीं पता किया? अरे पता किया, कहीं भी नहीं मिल रही, किसी लिस्ट में नहीं मिल रही है। कोई वोट नहीं डल पा रहा है पब्लिक का, पब्लिक वापसी आ रही है, पब्लिक को परेशान करा जा रहा है, सब चीज ओके है उनकी, जब भी वोट नहीं डल रहा। आईडी में तुम्हारा कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है, तो ये बताओ जब इन्हीं की मान्यता है तो हम लोग क्या करें फिर? किस चीज पे आधार पे वोट डालेंगे बताओ? तो भैया सुना आपने, ये तो मुस्लिमों के साथ हुए कागजी खेल का मुजाहरा मात्र था। अब दूसरे जिले से निकलकर सामने आई इस महिला की जुबानी बूथ के अंदर की वो कहानी भी सुनिए। वो लोग कौन है जो अंदर बैठे हैं? हमने शिकायत नहीं की, जब हमने कहा बाहर जाकर उनसे तो कुछ बोलते हैं हाथ जोड़ने लगे, बस रहने दो। तो आपने वहाँ शिकायत नहीं की? पीटा सिंह का क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बोले, पुलिस में बैठे हैं वो, कुछ नहीं बोला। तुमने अपना वोट खुद डाला कि किसी दूसरे ने डाला? तुम्हारा दूसरे ने डाला। वो क्या कहा? क्या कहा तुमसे? कुछ नहीं बोला, तुम आपको खराब कर दोगे वोट। महिला की इस बयानबाजी को सुनने के बाद आपको भी चुनाव आयोग की जुमलेबाजी का अंदाजा हो गया होगा। खैर ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, अब जरा वर्दी में तैनात सत्ता के इशारे पर काम करने वाले नुमाइंदों की करतूत का नजारा भी देख लीजिए। एक भी शब्द बोल नहीं रहा आदमी, दे लोग आरोप लगा रहे। तो देखा आपने, दरअसल ये वीडियो यूपी के फतेहपुर जिले का है, जहां वर्दी में तैनात सत्ता के आकाओं के इशारे पर काम करने वाले साहब सपा के समर्थकों को गोली मारने तक की धमकियां दे रहे हैं। इन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से देखने के बाद उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की निष्पक्षता का ताल ठोकने वाले चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सत्ता के बड़े आकाओं के इशारे पर हो रहे बड़े खेल की इस कहानी का पर्दाफाश जरूर हो गया।